नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं वोकल न्यूज, मैं हूं ईशा भंडारी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। एशिया के सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी ग्रीन एनर्जी, डेटा सेंटर्स, एयरपोर्ट्स और हेल्थ केयर सेक्टर में अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। इसके लिए अडानी ग्रुप का इन सभी सेक्टरों में $150 बिलियन से ज्यादा यानी लगभग 12.36 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है। अडानी इस प्लान के जरिए अपने ग्रुप को $1 ट्रिलियन के वैल्यूएशन पर पहुंचाकर एलीट ग्लोबल क्लब ऑफ कंपनीज में शामिल होने का अपना सपना पूरा करना चाहते हैं। 10 अक्टूबर का वेंचुरा सिक्योरिटीज लिमिटेड की इन्वेस्टमेंट मीट में अडानी ग्रुप के सीईओ जुगेशिंदर रविबा सिंह ने ग्रुप के इन सभी ग्रोथ प्लान्स के बारे में डिटेल शेयर की थी, जिसका खुलासा अब हो जाकर हुआ है। रॉबी सिंह ने बताया कि अडानी ग्रुप का अगले 5 से 10 सालों में कई सारे बिजनेस में निवेश करने का प्लान है। जी बिल्कुल सही सुना आपने। ग्रुप हाइड्रोजन बिजनेस में $50-70 बिलियन और ग्रीन एनर्जी बिजनेस में $23 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना रहा है अडानी। इसके अलावा ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन में $7 बिलियन, क्या सोच सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक में $7 बिलियन, ट्रांसपोर्ट यूटिलिटी में $12 मिलियन और रोड सेक्टर में करीब $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप कर सकता है। ग्रुप के सीईओ ने आगे बताया कि अडानी ग्रुप क्लाउड सर्विस के साथ डेटा सेंटर बिजनेस में एंट्री करने के लिए $6 बिलियन का निवेश करेगा। इसके लिए ग्रुप ने डेटा सेंटर बिजनेस करने वाली कंपनी एज कनेक्ट के साथ पार्टनरशिप कर ली है। इसके अलावा अडानी ग्रुप ने एयरपोर्ट्स बिजनेस में $9-10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने की भी प्लान बना लिया है पूरी तरीके से, जहां ये पहले से ही सबसे बड़ा निजी ऑपरेटर है। रॉबी सिंह ने यह भी बताया कि सीमेंट सेक्टर में एंट्री के लिए ग्रुप ने $10 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कर लिया था। ग्रुप आगे भी इस सेंटर में निवेश करना जारी रखेगी, ऐसा उन्होंने कहा। इसके अलावा अडानी का पेट्रोकेमिकल सेक्टर में $2 बिलियन इन्वेस्ट करने का प्लान भी कहीं ना कहीं दिख रहा है, जिसके जरिए वे 1 मिलियन टन प्रति वर्ष पीवीसी के फैसिलिटी का सेटअप करना चाहती हैं। सीएफओ ने बताया कि ग्रुप $1 बिलियन के इन्वेस्टमेंट के साथ कॉपर सेक्टर में भी प्लान करती है, जिसके जरिए वे 5.5 मिलियन टन प्रति वर्ष स्मेल्टर का संस्थापन करेगा। अब आप सोच सकते हैं, इसके अलावा भी ग्रुप हेल्थ केयर सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में और डायग्नोस्टिक और फार्मा में $7-10 बिलियन का निवेश करना कर सकता है, ऐसा उनका प्लान है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर ये जो अडानी ग्रुप है उनका इन्वेस्टमेंट कहां कहां सेक्टर में किस तरीके से जाता है, क्योंकि इसका फायदा कहीं ना कहीं हमको भी होता है, तो हमारी इस पर चौकन्नी नजर है। तो देखते हैं आगे किस तरीके से होता है। ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिएगा।